After attaining the nirvana enlightenment, बुद्ध के हृदय का घड़ा इतना भर गया था कि अब इस घड़े को छलकना था। मानो कि गुरु की भी एक हेल्पलेसनेस होती है, वो प्रेग्नेंट हो चुका है और वो ज्ञान रूपी कंपैशन, वो ज्ञान रूपी करुणा अब बाहर निकलेगी, अब वो प्रेगनेंसी जन्म लेगी। इट्स अ ब्यूटिफुल हेल्पलेसनेस ऑफ अ गुरु। तो ये बुद्ध चले शिष्यों की तलाश में। हमें अक्सर लगता है कि शिष्य ही चलता है गुरु की तलाश में, बट शायद ये सफ़र दोनों अपने अपने ढंग से तय करते हैं। ऐसी ही खूबसूरत कथा और रीसेंट आ जाए रामकृष्ण परमहंस की। विवेकानंद परम शिष्य रामकृष्ण परमहंस के, सुंदर घटना है ये भी कि विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस एक कॉमन मित्र के घर, जहाँ पे उस मित्र ने रामकृष्ण को इनवाइट किया है टू कथा करने के लिए, और उस समारोह में विवेकानंद, जिनका नाम उन दिनों नरेंद्रनाथ था, नरेन बोला जाता था, नरेन भी आए और नरेन गाते थे बहुत सुंदर। रामकृष्णा ने अपनी कथा की और सब ने रिक्वेस्ट की नरेन को गाने के लिए, और जब नरेन ने गाया, कीर्तन गाया, तो वो इतना मधुर कीर्तन गाया नरेन ने कि रामकृष्णा समाधिस्थ हो गए जस्ट बाय लिसनिंग टू दैट कीर्तन, और ऐसे आँखों से आंसू बहने लगे और नरेन की तरफ देख के बोलते हैं कि इतना समय क्यों लगाया तुमने, मैं कब से तुम्हारे इंतज़ार में था। ऑफ कोर्स विवेकानंदा उर्फ नरेन थॉट दैट ही इज़ अ क्रेजी मैन, दैट रामकृष्ण इज़ अ क्रेजी मैन, बिकॉज उनके सारे तरीके तो मैड मैन जैसे ही थे। इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर नरेन टू रियलाइज द एनॉर्मसिटी ऑफ रामकृष्ण परमहंसा। और कहते हैं कि रामकृष्ण अक्सर रोया करते थे नरेन उर्फ विवेकानंद की याद में, उस प्रेम में कि कब से तुम्हारी प्रतीक्षा में था कि तुम अब आओगे, तुम तब आओगे, और तुमने इतनी देर की आने में, और मेरा हृदय कब से पुकार रहा है तुम्हें। और ये नरेन आगे चल के विवेकानंद हुए। एंड दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स। कल ही विवेकानंद की महासमाधि दिवस था और आज हम श्री विवेकानंद की बात कर रहे हैं। ब्यूटिफुल। प्रणाम टू ऑल द गुरुज ऑफ दिस एनॉर्मसिटी। So I thought I'll share with you some of the ancient and recent aspect of the enormity of a guru. और मैंने सोचा इस बारे में, मैंने मनन किया, मैंने विचार किया, मैंने ध्यान किया इस बारे में कि क्यों गुरु करुणा से भर जाते हैं हमें देख के, क्यों अपने हर बंधन को तोड़ के हमारे पे, हमारे लिए काम करने निकल पड़ते हैं। तो आंसर मिला कि बहुत बार, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बार हम खुद की अपनी सफरिंग नहीं देख पाते बिकॉज वी बिकम यूज टू इट। यू नो, डिसीज भी अगर प्रोलॉन्ग हो जाए, वी बिकम यूज टू इट, वी थिंक इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो बहुत बार डिसीज और द सफरिंग विच वी ऑल आर गोइंग थ्रू, वी थिंक इट्स अ नॉर्मल लाइफ और इट्स नॉर्मल, ऐसा ही होगा जीवन।
बट जब एक गुरु हमें देखता है, हमारी स्थिति को देखता है, तो उसका हृदय करुणा से भर जाता है। करुणा से भर जाता है का मतलब कि वो देख पाता है हमारे भीतर द वाई वी आर स्टक, वाई वी आर अननेसेसरी सफरिंग, सेल्फ क्रिएटेड सफरिंग। तो शायद ये रीज़न रहा होगा कि रामकृष्ण को, नरेंद्र को देख के आंखों में पानी आता है, आंसू आते हैं। और बुद्ध इन पांच मित्रों उर्फ शिष्यों की तलाश में सारनाथ जाते हैं।